देखिए, मैं तो स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि किसी आयोग का गठन करना ये सरकार की अपनी नीति है, वो कर सकते हैं। पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि सरकार की उत्तरदायित्व तो क्या, आज के समय आज वो जो बेरोजगार जो बाहर से आया है अपने गांव में, आज उसके पास सामने कुछ भी नहीं है, भुखमरी की कगार पे वो आज है, आज वो अपने परिवार का पेट पालना चाहता है। तो सबसे पहले तो नीति ये होनी चाहिए कि आज के समय सरकार उस बेरोजगार को क्या रोजगार दे पा रही है, उसकी जेब में कितना पैसा जा रहा है ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। आयोग बनेगा, उसके उसके गठन होगा, उसमें बहुत सारी और कार्रवाइयाँ, विधिक कार्रवाइयाँ होंगी, तब जाकर के कहीं वो आयोग क्रियान्वयन में आएगा। पर समस्या, चुनौती आज है उस बेरोजगार के सामने, और सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि आज उस बेरोजगार को, उस भूखे परिवार को वो भोजन की व्यवस्था करे, ऐसा करे ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। सरकार ने एक और फैसला लिया है कैबिनेट में, जिसमें अर्ध सैन्य जो बल हैं या सेना है, जल थल वायु में अगर कोई है, कार्यरत है, यूपी का निवासी है, तो उसके शहीद होने पे जो 25 लाख रुपए की अनुमन्य राशि मिलती थी उसको बढ़ा करके 50 लाख किया गया। मैं तो ये कहूंगी कि इसको बढ़ाकर कम से कम 1 करोड़ रुपए कर देना चाहिए। और ऐसा उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में ऐसा कर रही है, जो उत्तर प्रदेश से छोटे भी राज्य हैं। तो मैं तो मेरा तो प्रस्ताव है इसको 50 लाख से 1 करोड़ कर देना चाहिए। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से इतर भी देखा जाए जो भर्तियां हुई हैं, प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया इसको लेके कि बीते 1 साल में गोरखपुर में ही ऐसे 81 फर्जी शिक्षक हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश, जहाँ गोरखपुर में, जहाँ से मुख्यमंत्री जी का गृह, पर जहाँ से वो खुद सांसद रहे, बनारस की अगर बात ले लें वो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में जहाँ से प्रधानमंत्री स्वयं चुन करके आए हैं और जहाँ से सबसे बहुमत से उत्तर प्रदेश से सांसद चुन करके भारतीय जनता पार्टी के गए हैं, आज सबसे ज्यादा अगर घोटाला और भ्रष्टाचार किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश में सामने आ रहा है। चाहे वो 69,000 भर्तियों का मामला रहा हो, इसके पहले 68,500 का हो, पशुधन घोटाला रहा हो, इसके पहले कि DHFL घोटाले, जितने घोटाले 3 साल में समय दिन कम पड़ जाएंगे और घोटालों की संख्या बढ़ गई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये घोटालों और भ्रष्टाचार की से भरी सरकार है। जिस तरह से, जिस मुद्दे पे जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री जी करते थे, आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार विफल हो चुकी है। बसों के विवाद का जो पूरा मामला था, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष जी को जिस तरह से जेल किया गया, उसके बाद में आप लोगों ने भी लंबी लड़ाई लड़ी और आज उनकी जमानत हुई है, क्या कहना चाहिए? हमने शुरू से कहा कि हमें अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है, विश्वास है, और आज एक बड़ी जीत हमारी हुई है। और पार्टी ने बहुत ही, और सभी कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बड़े संयम में रह करके और इस पूरे मुहिम को आगे बढ़ाया है। और अजय कुमार लल्लू जी बाहर आएंगे और एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस को मजबूत करेंगे।